हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हेटरोसिस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, जब हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, तो जो F1 आता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन आती है, वो या तो पेरेंट्स से सुपीरियर होता है या फिर इन्फीरियर होता है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को हम बोलते हैं हेटरोसिस। हेटरोसिस का मतलब है सुपियोरिटी और इन्फीरियोरिटी ऑफ F1 ओवर बोथ इट्स पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ यील्ड और अदर एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अगर F1 सुपीरियर है या फिर इन्फीरियर है अपने पेरेंट्स से, तो उसको हम बोलते हैं हेटरोसिस। ठीक है, सपोज डैट एक P1 है, पेरेंट 1 है, और एक पेरेंट 2 है। ये 50 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड दे रहा है और P2 जो है 40 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड दे रहा है। इन दोनों पेरेंट्स में हमने क्रॉस कराया और जो F1 आया ये 60 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड दे रहा है, तो दिस इज हेटरोसिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर ये F1 60 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड नहीं दे करके 30 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड दे रहा है, तो इस कंडीशन को भी हम हेटरोसिस बोलेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को भी हम हेटरोसिस बोलेंगे। तो हेटरोसिस में भी पॉजिटिव एंड हेटरोसिस में भी निगेटिव। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को हम हेटरोसिस बोलेंगे। अच्छा, हेटरोसिस को हम यू हेटरोसिस या फिर ट्रू हेटरोसिस के नाम से भी जानते हैं। यू हेटरोसिस या फिर ट्रू हेटरोसिस के नाम से भी जानते हैं। क्यों इसको यू हेटरोसिस और ट्रू हेटरोसिस कहने की जरूरत पड़ी? क्योंकि एक टर्म होता है लग्जरियंस, एक टर्म होता है लग्जरियंस। ठीक है, लग्जरियंस, लग्जरियंस को हम स्यूडो हेटरोसिस भी बोलते हैं। लग्जरियंस को हम स्यूडो हेटरोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं और जो F1 आता है वो केवल वेजिटेटिव ग्रोथ में सुपीरियर होता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में या फिर एडेप्टेशन में सुपीरियर नहीं होता है पेरेंट्स से, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लग्जरियंस। मतलब सुपियोरिटी ऑफ F1 ओवर बोथ इट्स पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ बट नॉट इन ईल्ड एंड एडेप्टेशन इज कॉल्ड लग्जरियंस और स्यूडो हेटरोसिस। ठीक है, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लग्जरियंस को हम स्यूडो हेट्रोसिस और हेट्रोसिस को हम ट्रू हेट्रोसिस या फिर यू हेट्रोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा टर्म होता है हाइब्रिड विगर। दूसरा टर्म होता है हाइब्रिड विगर। जनरली हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर को एज ए सिनोनिम यूज किया जाता है, लेकिन कुछ माइनर डिफरेंस है जिसको हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, देखिए, हेटरोसिस क्या है कि हमने कहा कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हाइब्रिड विगर हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब ये जो कंडीशन है 60 कुंटल पर हेक्टेयर जो F1 यील्ड दे रहा है, दिस इज हाइब्रिड विगर। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, हाइब्रिड विगर का मतलब है हमेशा डिजायरेबल कंडीशन में होना। जैसे अगर हम सीरियल की बात करें तो एक पेरेंट्स मान लीजिए 200 सेंटीमीटर टाल है, दूसरा 180 सेंटीमीटर टाल है, और F1 जो है वो 140 सेंटीमीटर टाल है, तो ये फिर हमारे लिए डिजायरेबल है, क्योंकि सीरियल में हम ड्वार्फिंग जीन को इंट्रोड्यूस करके सेमी ड्वार्फ ड्वार्फ वेराइटीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो F1 आया है ये भी दोनों पेरेंट्स से क्या है? ड्वार्फ है, तो ये हमारे लिए डिजायरेबल है। तो इन सिचुएशंस में हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस दोनों सेम हो जाएंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस को हम एज ए सिनोनिम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरा एग्जांपल अगर ले मैच्योरिटी का, जैसे कि P1 हमारा मान लीजिए सपोज डेट 240 डेज में मैच्योर हो रहा है, जबकि P2 जो है 200 डेज में मैच्योर हो रहा है, जबकि F1 जो आया वो 180 डेज में मैच्योर हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैच्योरिटी कम दिनों में है F1 में, तो ये भी हमारे लिए क्या होगा? डिजायरेबल होगा। तो वो भी केस केस किसका होगा? हाइब्रिड विगर का। वो भी केस किसका होगा? हाइब्रिड विगर का एंड निगेटिव हेट्रोसिस का। निगेटिव हेट्रोसिस का, ठीक है, निगेटिव हेट्रोसिस का। तो इस तरीके से हमने हाइब्रिड विगर, हेट्रोसिस और लग्जरियंस को समझ लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि हेट्रोसिस को किस तरीके से हम एस्टिमेट कर सकते हैं, हेट्रोसिस को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि एक पेरेंट 1 है और एक पेरेंट 2
टू है, इनके बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं, पेरेंट वन जो है 50 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड दे रहा है, पेरेंट टू 40 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड दे रहा है, और जो एफ वन आया है वो 60 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड दे रहा है। अभी हम इसको 60 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड मान करके एग्जाम्पल जो है ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको हेट्रोसिस एस्टिमेट करना है, तो हम किस तरीके से हेट्रोसिस को एस्टिमेट करेंगे। देखिए, अगर हम इन दोनों वैल्यू को अगर हम जोड़ दें, 50 + 40 = 90 एंड 2 से डिवाइड कर दें, तो इन दोनों की मिड वैल्यू आ जाएगी 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इस हेट्रोसिस को इस मिड वैल्यू से भी एस्टिमेट करते हैं। इस वैल्यू को हम मिड पेरेंट वैल्यू बोलेंगे या फिर एवरेज वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। जब इस वैल्यू से हेट्रोसिस को एस्टिमेट किया जाता है तो उसको फिर हम एवरेज हेट्रोसिस बोलते हैं, उसको हम एवरेज हेट्रोसिस या फिर रिलेटिव हेट्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। एवरेज हेट्रोसिस या फिर रिलेटिव हेट्रोसिस बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है F1 bar - MP bar / MP bar × 100, ठीक। अब यहाँ पे जो एफ वन बार है इसका मतलब है जो ये एफ वन है इसकी जो मीन वैल्यू है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स लगे होंगे तो उनका जब हम डेटा लेंगे तो उनका मीन वैल्यू निकालेंगे। ये जो एफ वन है इसकी मीन वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी। इसके बाद एमपी बार, इसी तरीके से मिड पेरेंट जो है उसकी मीन वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी। इसके बाद जो परसेंटेज में आएगा रिजल्ट वो क्या होगा, एवरेज हेट्रोसिस होगा। यहाँ पे एफ वन कितना, हम 60 क्विंटल ले लेते हैं, 60 क्विंटल -45 क्विंटल / 45 क्विंटल × 100, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया 15 / 45 × 100 = कितना हो जाएगा, 33.33% जो है हेट्रोसिस का आ जाएगा, जो कि एवरेज हेट्रोसिस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एवरेज हेट्रोसिस को या रिलेटिव हेट्रोसिस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी सपोज डैट हम एवरेज हेट्रोसिस ना कैलकुलेट करके हम जो हेट्रोसिस कैलकुलेट कर रहे हैं वो जो हमारा सुपीरियर पेरेंट्स है P1 है, हम इसके बियंड जो है चेक कर रहे हैं हेट्रोसिस को, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोबेल्टियोसिस, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोबेल्टियोसिस, ठीक है। जब हम हेट्रोसिस कैलकुलेट करते हैं अपने बेटर पेरेंट से तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोबेल्टियोसिस, मतलब सुपियोरिटी ऑफ एफ वन ओवर इट्स बेटर पेरेंट इज कॉल्ड हेट्रोबेल्टियोसिस। सुपियोरिटी ऑफ एफ वन ओवर इट्स बेटर पेरेंट इज कॉल्ड हेट्रोबेल्टियोसिस। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है F1 bar - BP bar / BP bar × 100, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे जो एफ वन बार है ये इसकी मीन वैल्यू है, एफ वन की मीन वैल्यू है। बीपी बार जो है ये पेरेंट्स, सुपीरियर पेरेंट्स जो है उसकी मीन वैल्यू है, बेटर पेरेंट्स की मीन वैल्यू है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे एफ वन बार 60 आया हुआ है, बीपी बार 50 है / 50 × 100, तो यहाँ पे 10 आ गया / 50 आ गया × 100 = कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है। ये जो हेट्रोबिल्टियोसिस आएगी वो 20% आएगी। तो इस तरीके से हम हेट्रोबिल्टियोसिस को कैलकुलेट करते हैं, सुपियोरिटी ऑफ एफ वन ओवर इट्स बेटर पेरेंट्स को कैलकुलेट करते हैं कि जो एफ वन है ये बेटर पेरेंट से कितना परसेंट सुपीरियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हेट्रोबिल्टियोसिस को कैलकुलेट करते हैं। अभी जो हमने दो मेथड देखा उसमें हम क्या कर रहे थे, इस एफ वन का हम इन पेरेंट्स से कंपेरिजन कर रहे थे, ये जो इसके पेरेंट्स हैं जिसके थ्रू ये डेवलप किया गया है, जिसमें क्रॉसिंग करके ये डेवलप किया गया है, हम इनसे जो है करा रहे थे। लेकिन सपोज डैट ये जो एफ वन है इसकी तुलना हम दोनों पेरेंट्स से ना करके हम किसी एक स्टैंडर्ड पेरेंट से करें, या फिर हम कहें कि कॉमर्शियल हाइब्रिड से करें, या फिर हम कहें चेक वैरायटी से करें, जो कि चेक वैरायटी ऐसी वैरायटी है जो कि पहले से ही किसान जो है, फार्मर जो है ग्रो कर रहे हैं, वो अच्छी है, यील्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो अपने फील्ड पे उसको ग्रो करते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, एज ए चेक वैरायटी लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे अपना एफ वन, ये जो एफ वन हमको ऑब्टेंड हुआ था इनमें क्रॉसिंग करके, उसको लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने चेक वैरायटी लगा दी, इसके पेरेंट्स भी लगा दिए। तो इस तरीके से हमको जो है एफ वन का परफॉर्मेंस मिलेगा, चेक वैरायटी का परफॉर्मेंस मिलेगा, और पेरेंट्स का परफॉर्मेंस मिलेगा।
तो जब हम इस F1 का चेक वैरायटी से कंपैरिजन कराते हैं और हेट्रोसिस को कैलकुलेट करते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हेट्रोसिस, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हेट्रोसिस, ठीक है, स्टैंडर्ड हेट्रोसिस, या फिर इकोनॉमिक हेट्रोसिस, इकोनॉमिक हेट्रोसिस। यही जो है हमारे कॉमर्शियल यूज के लिए हेट्रोसिस होती है, बाकी सारी हेट्रोसिस का बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे में यूज नहीं है, क्योंकि कोई भी फार्मर जो है वो हाइब्रिड को तभी एक्सेप्ट करेगा जब वो जो ग्रो कर रहा है हाइब्रिड उससे सुपीरियर ये हाइब्रिड होगा। सपोज डैट फार्मर, कोई फार्मर है वो ए हाइब्रिड को ग्रो कर रहा है और इसकी जो यील्ड है वो 70 क्विंटल पर हेक्टेयर की है, और जो हमने हाइब्रिड बनाया है वो पेरेंट्स, हमारा जो बेटर पेरेंट्स है उससे ज्यादा है, 55 क्विंटल पर हेक्टेयर है, लेकिन जो फार्मर ग्रो कर रहा है उसकी यील्ड कितनी है, 70 क्विंटल पर हेक्टेयर है। तो क्या फार्मर इसको एक्सेप्ट करेगा? हमारे हिसाब से तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये जो कॉमर्शियल हाइब्रिड फार्मर ग्रो कर रहा है, अगर F1 ये जो है ये इससे सुपीरियर जाता है, 80 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड दे रहा है, तब फार्मर इसको आसानी से ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ये हमारा सपोज डेट बी जो है, हमने जो हाइब्रिड डेवलप किया वो है, वो 80 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड दे रहा है, तो ये जो फार्मर है ये तुरंत इसको जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर 75 क्विंटल पर हेक्टेयर भी दे रहा है तब भी जो है फार्मर्स इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इस कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो पैरेंट से हम कंपेरिजन करके हेट्रोसिस को कैलकुलेट करते हैं उसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे में यूज नहीं है। तो अभी स्टैंडर्ड हेट्रोसिस को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो है F1 bar - CV bar / CV bar × 100। यहाँ पे F1 बार का मतलब है मीन वैल्यू ऑफ F1, CV बार का मतलब है चेक वैरायटी का मीन वैल्यू। मान लीजिए चेक वैल्यू हमने कहा कि भाई 70 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड दे रही है, ठीक है, तो यहाँ पे F1 हमारा कितना है 60 क्विंटल और चेक वैरायटी कितनी है 70 क्विंटल / 70 × 100, ये कितना आ जाएगा माइनस में 10 / 70 × 100। अभी हम इसको अगर डिवाइड करें तो -10/70 है तो ये यहाँ पे 7 हो जाएगा, इस 7 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो करीब करीब 14.28% माइनस में ये हेट्रोसिस आएगी। तो इस तरीके से -14.28% इकोनॉमिक हेट्रोसिस आएगी। मतलब अभी क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड पेरेंट है, ये जो चेक वैरायटी है, इससे जो हमारा हाइब्रिड है ये इतना परसेंट नीचे है। इसका मतलब क्या है कि हमको और मेहनत करनी पड़ेगी, हमको एक ऐसा हाइब्रिड बनाना पड़ेगा जो कि इससे जो है सुपीरियर हो। सपोज डैट हमने जो है एक हाइब्रिड बना दिया जो कि 80 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड दे रहा है, तब ये हेट्रोसिस कितनी हो जाएगी? यहाँ पे अगर हम रख दें तो ये हो गया हमारा 80 - 70/70 × 100, तो अभी ये कितना हो जाएगा 14.28% पॉजिटिव वे में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हेट्रोसिस के बारे में समझा, हेट्रोसिस को हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं इसको भी समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।